साथियों, मैं हूं आपके साथ समीर खान। आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक बड़ी खबर को लेकर। जी हां, गुटखा कारोबार। कोरोना के इस दौर में हम बात कर रहे हैं गुटखा कारोबार की। इंदौर में जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है सेंट्रल जीएसटी की, इंटेलिजेंस विंग की, उस विंग की कार्रवाई से यह साबित हो गया है कि अब तक मुंबई गुटखा कारोबार का जो गढ़ हुआ करता था वह गढ़ बदल गया है। जी हाँ बिल्कुल, अब इंदौर में जो है गुटखा कारोबारियों ने अपने पैर पसार दिए। कारण साफ है, मुंबई में सख्ती के बाद से ही इंदौर को गुटखा कारोबारियों ने अपना घर बना लिया। जी हाँ बिल्कुल, सेंट्रल जीएसटी के जो इंटेलिजेंस विंग की टीम ने कार्रवाई की है उसने बड़ी मात्रा में इंदौर में आधा दर्जन से ज्यादा गुटखे का काला कारोबार करने वालों को हिरासत में लिया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब तक सूत्रों के अनुसार जो खबरें मिल रही है उन खबरों के अनुसार 100 करोड़ से ज्यादा का काला कारोबार हिसाब किताब में सामने आया है। जी हाँ बिल्कुल, 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार, एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि एक बात ये साफ है कि जो गुटखा कारोबारी है वो इस पूरी ही प्रक्रिया के दौरान एक बात का खास तौर पर ध्यान रखते हैं। मैं आपको बता दूं वो ध्यान क्या रखते हैं। वो कारोबारी किसी और के नाम से अपनी फर्म को रजिस्टर कराते हैं, मतलब उनके यहाँ काम करने वाले मुलाजिमों के नाम से, और उस फर्म को रजिस्टर कराने के बाद बिना बिल का माल पूरे देश भर में भेजा जाता है। हम आपको इस कड़ी में एक बात और बताने जा रहे हैं कि कहाँ से गुटखे कारोबार की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है सुपारी से। जी हाँ, सुपारी। इंडोनेशिया से बड़ी मात्रा में सुपारी असम पहुंचती है, असम से इंदौर आती है। इंदौर के अलावा भी कई और स्थान है जहां पर यह सुपारी पहुंचती है और सुपारी को दिया जाता है गुटखे की शक्ल। इंदौर और उज्जैन में कई मोबाइल कारखाने बनाए गए हैं, कुछ कारखाने स्थायी रूप से बनाए गए हैं जो शो किया गया है, लेकिन जो काला कारोबार करने वाले जो कारखाने होते हैं वो मोबाइल बनाए गए हैं और मोबाइल कारखानों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में ये मोबाइल कारखाने दौड़ते हैं। उसी कारखाने में जो है गुटखा तैयार होता है और फिर उसकी सप्लाई होती है। हालांकि अभी सरकार सख्त है और उस सख्ती की वजह यह बताई जा रही है कि जो गुटखा कारोबारी है उनको रोक के बावजूद भी उन्होंने गुटखे का काला कारोबार लॉकडाउन के दौरान किया और करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी। अब देखना यह होगा खुलासे में आखिर कितने की टैक्स चोरी पकड़ी जाती है।